अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राहत अमीर एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव होने वाली है सोलर पैनल के बारे में। हमने लगवाया हुआ है जी सोलर 2.5 किलोवाट का और हमने उसके लिए रखवाई है जी चार प्लेट्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी कि 2.5 किलोवाट वाले इन्वर्टर पे हम चला कौन कौन सी चीज़ें रहे हैं। हम 4 से 5 जो हैं वो पंखे चला रहे हैं, लाइट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं, 2 LCDs हैं, एक फ्रिज है और एक ऑटोमेटिक मशीन है। ये चीज़ें चलती हैं मोस्टली हमारी इसके ऊपर। बस जो है वो इस्त्री और मोटर नहीं चला रहे इसके ऊपर, बाकी सारी तकरीबन चीज़ें या AC कह लें, और बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो तकरीबन दिन के टाइम इसी के ऊपर चल रही होती हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो बात कर लेते हैं कि हमें बिल के अंदर इसका कोई फ़ायदा भी हुआ है या नहीं। इनको लगवाने से पहले जो हमारा बिल आ रहा था, मतलब गर्मियों के सीज़न में, वो था राउंड अबाउट 45 के करीब, और इनको इंस्टॉल करवाने के बाद जो हमें बिल आ रहा है वो हो गया जी तकरीबन 25,000 के करीब, मतलब कि 20,000 का फ़ायदा हो चुका है। और अगर यूनिट्स में देखा जाए तो तकरीबन 300 यूनिट का फ़ायदा हुआ है। हमारे जो पहले हैं वो 800 चलते थे और इस दफ़ा जो हैं वो चले हैं जी टोटल 500, बल्कि पूरे ही 500 चले हैं। अभी जो है शाम का टाइम हो चुका है, अंदर चल के देखते हैं कि अभी जो है सोलर की मदद से कितनी की बिजली बन रही है और नीचे इस टाइम कितनी की यूज़ हो रही है। ले जी, इस टाइम जो है 250 के करीब बन रही है क्योंकि बादल आए हुए हैं, और नीचे जो है लोड है वो 300 के करीब है। वाडा जो है ना वो UPS वाली वायरिंग पे बिल्कुल भी यूज नहीं हो रहा। ये देखें 0 एम्पेयर, और इधर भी आ रहा है जी 0 एम्पेयर। ये अभी बादल आने की वजह से ये कम बिजली बन रही है, अदरवाइज पहले मैंने शॉर्ट लिया था उसके ऊपर ये राउंड अबाउट 500 वाट के करीब बना रही थी, बट वो क्लिप मेरी स्टोरेज ख़त्म होने की वजह से बना ही नहीं। अब मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं डिलीट की हैं और बाद में ये शूट कर रहा हूँ, दूसरी दफ़ा मुझे मेहनत करनी पड़ रही है। और अब बात कर लेते हैं जी इसके खर्चे की, कि ये टोटल इसके ऊपर लगवाते हुए कितना की खर्चा है। ये प्लेट्स जो हैं 575 वाट वाली हैं, और तब जो है रेट चल रहा था पर वाट 40 रुपये, अब तो कम हो गया वैसे, और आगे आगे मज़ीद कम होता जाएगा, सुनने में तो यही आ रहा है, क्योंकि आगे आगे आउट सीज़न हो जाएगा, सर्दियां आ जाएंगी, रेट जो है मज़ीद कम हो जाएगा। अगर तो किसी ने लगवानी है तो आउट सीज़न में लगवाएं, अभी जो है सीज़न तो वैसे ही गर्मियों का गुजर चुका है और मौसम तो आज बहुत ही हसीन जमील शकील हुआ पड़ा है, पीछे आपको नज़र आ ही रहा होगा। और बाकी जो इन्वर्टर और बैटरीज हैं, इस इन्वेरिक्स वेरोन का जो न्यू मॉडल आया उसका रेट आजकल चल रहा है मेरे ख्याल से 95,000 के करीब, और ये जो बैटरीज़ हैं फोनेक्स की ट्यूबलर बैटरीज़, इनका रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। तब कितने की आई थी पहले ये दोनों? 32 की थी, राउंड अबाउट 60-65 के करीब तब 2 आ गई थी, बट अब जो इनका रेट ऑब्वियसली ज़्यादा हो गया होगा, ये तकरीबन 2 साल पहले ली हुई हैं हमने। हमने जो इनकी सेटिंग की हुई है ना वो की हुई है सोलर बैटरी और यूटिलिटी, मतलब कि सबसे पहले ये सारा जो लोड पूरा करता है सोलर से करता है, अगर सोलर से पूरा ना हो रहा हो तो फिर बैटरी से थोड़ा सा एनर्जी ले लेता है, और अगर फिर भी ना हो रहा हो फिर ये यूटिलिटी पे शिफ्ट हो जाता है। जब ये शाम का टाइम ढल जाता है ना, मगरब का टाइम हो जाता है, सोलर से बिजली बनना ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद जो है सारा लोड जो UPS की वायरिंग पे है वो सारा शिफ्ट हो जाता है बैटरीज के ऊपर। बैटरीज भी 2-4 घंटे निकाल जाती हैं, क्योंकि तब हम फ्रिज जो है उतार देते हैं और बाकी पंखों और लाइट्स के ऊपर जो है LCDs के ऊपर जो है 3-4 घंटे शाम के बाद भी निकल जाते हैं, रात की बिजली यूज़ होती है, इसलिए काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है बिल के ऊपर। जब हमने ये सोलर प्लेट्स रखवाई थी ना, तब हमसे एक गलती हो गई थी, हमने ना लेंटर में वो खुदवाई करवा के ना फिर नहीं रखवाया था, हमने ऊपर ऊपर ही वो जो है L2 रखवा दिया था, और एक दफ़ा ना आंधी आई तो मैंने ऊपर आके देखा तो ये प्रॉप मतलब ना काफ़ी ज़्यादा हिल रही थी, और वो सामने आपको एक दिखाता हूँ, ये जो है ना राइट साइड पर नज़र आ रही है, ये मेरे फिंगर नहीं आ, ये वाली जो है वो ब्लरी होगी वीडियो, राइट साइड पे ये सारी प्लेट्स जो है ना उड़ गई थी उस दिन, जो है आंधी की वजह से ये सारी प्लेट्स उड़ गई थी, मुझे इतना डर लगा
और उसके बाद जो है हमने इसकी प्रॉपर फिलिंग की नीचे। इसका जो पीक हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोड डाल कर देखा है ना, वो तकरीबन ये 1500-1600 तक गया। इस वीडियो को करते हैं जी इधर ही एंड। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, प्लस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।